Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. In which city 12th India Security Summit on theme towards new national cyber security strategy was held? Kis shahar mein? 12th भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर विषय पर आयोजित किया गया था। जवाब बनता है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा सवाल, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि कोयल माइनिंग और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड, या यूं कहें कोयल माइनिंग और एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वचालित मार्ग से ऑटोमेटिक रूट से, ना कि गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से, यहां से सारा का सारा ऑटोमेटिक रूट से कर दिया गया है। कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है? जवाब बनता है यहां पर 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। कितने प्रतिशत एफडीआई को? 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई। अनुबंध विनिर्माण या दूसरे शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एफडीआई कितनी कर दी गई है? तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहां पर भी 100% एफडीआई कर दी गई है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई। कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमेट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी किया है? तो इसको जारी करने वाला जो देश बना है वो है अपना प्यारा भारत। इसके लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग जो मनसुख मंडाविया हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, मनसुख मंडाविया जहाज रानी राज्य मंत्री है, मतलब कहने का लॉजिक यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग है इंडिपेंडेंट चार्ज, और वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? जवाब बनता है वह गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद है। गुजरात के अभी नए गवर्नर बने हैं और इनका नाम है आचार्य देवव्रत मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश की बनी है आनंदीबेन पटेल और विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 तक कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? जवाब बनता है 75 नए मेडिकल कॉलेजों के ओपनिंग के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये अनाउंसमेंट आया था इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसके मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्लस इनके पास एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ये मिनिस्ट्री भी ये होल्ड कर रहे हैं। किसने रूस में 45वीं विश्व स्किल्स कजान 2019 प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 45th वर्ल्ड स्किल कजान 2019 कॉम्पिटिशन इन रशिया? जवाब बनता है यहां पर एश अश्वथा नारायण एस अश्वथा नारायण ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और प्रणव जो ये प्रणव है इन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था और ब्रॉन्ज मेडल यहां पर इन दोनों ने जीता है। संजय और श्वेता इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता है। रशिया के साथ भारत की दो एक्सरसाइज रहती हैं, एक रही थी इंदिरा और एक अभी रही थी एविया इंदिरा। ऑन विच डे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ऑब्जर्व 49th फाउंडेशन डे? किस दिन को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? जवाब बनता है इन्होंने 28 अगस्त को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया था। किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाब बनता है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं। किस दिन को हॉकी के महानायक और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा यहां पर 29 अगस्त को। तो बैक टू बैक तीन डेज एक तरीके से हमने डिस्कस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का नाम क्या जिनका हाल ही में निधन हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? जवाब बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 कंचन चौधरी भट्टाचार्य इज अ नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन डीजीपी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। नेक्स्ट गाइस, यहां पर बात करें तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन। पसंद है प्लीज शेयर करिएगा और मोस्ट अपडेटेड कंटेंट के लिए आप मिल सकते हैं हमारे साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।